नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। TV20 न्यूज रोजाना ताजा तरीन खबरें आपको उपलब्ध कराता रहता है। देखते रहिए TV20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। पारस मित्री डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से सभी क्षेत्रवासियों को दीपावली एवं छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। त्योहार बम्पर ऑफर धमाका में लखनऊ की सबसे अग्रणी एवं विश्वसनीय रियल एस्टेट कंपनी पारस मित्र डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड लाए हैं पारस ग्रीन सिटी किसान पथ जुगौर लखनऊ में आवासीय एवं कमर्शियल प्लाट पाने का सुनहरा मौका। प्लाट रजिस्ट्री शुल्क बिल्कुल फ्री, हर रजिस्ट्री पर निश्चित उपहार। 1000 स्क्वायर फीट प्लाट की खरीद पर 200 स्क्वायर फीट प्लाट बिल्कुल फ्री। 2000 स्क्वायर फीट प्लाट की खरीद पर 500 स्क्वायर फीट प्लाट बिल्कुल फ्री। फाइनेंस की सुविधा के साथ साथ कंपनी द्वारा EMI की भी सुविधा, 90% लोन की सुविधा के साथ कम से कम दस्तावेजीकरण सुविधा। हमारा बस यही है सपना, घर हो सबका अपना अपना। आजमगढ़ के गंभीरपुर थाना क्षेत्र से खबर है, जहां बच्चों के क्रिकेट खेलने के विवाद को लेकर खुर्शीद की हत्या में शामिल अभियुक्त को आज गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि 15 अक्टूबर को ग्राम मोहम्मदपुर थाना गंभीरपुर आजमगढ़ में बच्चों के क्रिकेट खेलने के विवाद के बीच बवाज बचाव करने वाले खुर्शीद अहमद को इसी रंजिश के कारण नमाज पढ़कर घर जाते समय लाठी डंडा से हमला कर दिया गया था, जिसमें खुर्शीद की मौत हो गई थी। इस संबंध में मोहम्मद अकील अहमद पुत्र मतीन अहमद निवासी मोहम्मदपुर थाना गंभीरपुर आजमगढ़ ने प्रार्थना पत्र दिया था और मुकदमा पंजीकृत किया गया था। और आज पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गंभीरपुर पुलिस ने इस मामले में हत्या में शामिल अभियुक्त खुर्शीद को गिरफ्तार कर लिया है। आजमगढ़ में अधिवक्ता संघ भवन के शिलापट का लोकार्पण शुक्रवार को पूर्व अपर निदेशक डॉक्टर रामलाल दुबे ने किया। इस अवसर पर एक स्वागत समारोह का आयोजन तहसीलदार एसोसिएशन के वरिष्ठ समिति के चेयरमैन धर्मदेव सिंह की अध्यक्षता में किया गया। अधिवक्ता संघ भवन में मुख्य अतिथि डॉक्टर रामलाल दुबे ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और शिलापट का अनावरण किया। स्वागत समारोह में तहसीलदार तहसीलवार एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय प्रकाश पांडे ने मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि सुग्रीव राय, उपजिलाधिकारी सुरेंद्र नारायण त्रिपाठी, सदर अधिकारी मनोज रघुवंशी, तहसीलदार सुरेंद्र सिंह, नायब तहसीलदार पंकज साय, संतोष यादव सहित धर्मदेव सिंह, समर बहादुर सिंह, धर्मेश पाठक, रामजग, पूर्व विधायक अशोक कुमार अस्थाना, आत्मराम कुमार, बहादुर सिंह, इंद्रजीत राजभर, अखिलानंद पांडे, संजय मिश्रा, हरि यादव, शीतला राय, देवेंद्र नाथ पांडे सहित कई अन्य लोगों को अंगवस्त्र, यथार्थ गीता व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। स्वागत समारोह को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने अधिवक्ता हितों पर विस्तार चर्चा करते हुए लालगंज को जिला बनाने तथा विधान परिषद का चुनाव अधिवक्ताओं से कराने की मांग किया। इस अवसर पर इंद्रभानु चौबे, विनय शंकर राय, जितेंद्र सिंह, अरविंद राय, राम विजय सिंह, इरशाद अहमद, शोभनाथ, अनुराग राय, पंकज कुमार सोनकर, पंकज सिंह, देवजी आनंद सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। आजमगढ़ में आगामी छठ पूजा की तैयारियों को लेकर समाज सेवी संगठन लगे हुए हैं। जिला प्रशासन ने भी कमर कस ली है। छठ पूजा की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी ने आज गौरीशंकर घाट में मकलब्य घाट का निरीक्षण किया। आज सुनाते हैं जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने क्या कुछ कहा। जनपद में आगामी छठ पूजा में जो हमारी नदियां हैं या और तालाब पोखर हैं, वहां पर पूजा अर्चना की जाएगी। उसके लिए साफ़ सफाई, लाइट, पेयजल इत्यादि बैरिकेडिंग की समुचित व्यवस्था करा दी गई है और ये इंश्योर किया जाएगा कि जो हमारे श्रद्धालु हैं उनको कोई समस्या ना हो। जनपद में सर कितने स्थान हैं जहां पे छठ पूजा होनी है और नगर में क्या संख्या है? नहीं, जनपद में तो 200-250 की संख्या है, क्योंकि छठ पूजा में कोई एक स्थान नहीं होता। लोग अपने घरों के पास जो तालाब है या नदी है, घाट हैं, वहाँ पर होता है। शहर में हमारे 14 स्थान हैं जहाँ पर मुख्य रूप से होता है ये जो कार्यक्रम, तो उन पे साफ़ सफाई की मुकम्मल व्यवस्था है और जो लाइट है उसकी व्यवस्था होगी, पब्लिक एड्रेस सिस्टम रहेगा और कोई दुर्घटना ना हो इसके लिए जो हमारे गोताखोर हैं, नाविक हैं, ये लोग रहेंगे। मतलब पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था भी मुकम्मल कर ली गई है। जी, आस्था का महापर्व छठ को लेकर पूरे क्षेत्र की फिजा बदलने लगी है। एक ओर जहां सभी अपने घरों और आसपास के क्षेत्रों की साफ सफाई में जुट गए हैं, तो वहीं दूसरी ओर नगर पंचायत के विभिन्न छठ घाटों, पूर्वी तथा पश्चिम पोखरे पर भी सफाई का कार्य प्रारंभ हो चुका है। इसे लेकर जिलाधिकारी नवीन प्रसाद व स्वास्थ्य अधिकारी लव कुमार मिश्रा ने संयुक्त रूप से आज शुक्रवार को नगर के छठ घाटों, पूर्वी पोखरा तथा पश्चिम पोखरा की साफ सफाई का निरीक्षण कर जायजा लिया। वही घाटों पर प्रकाश व्यवस्था, घाटों की साफ सफाई, सुरक्षा के दृष्टिकोण से पानी के अंदर गोताखोर की व्यवस्था, छोटी नाव या बड़ी ट्यूब की व्यवस्था तथा घाटों के चारों तरफ वॉलंटियर की व्यवस्था का निर्देश
दिया। वहाँ पर छठ को लेकर जोर शोर से चल रही तैयारियों के बीच छठ घाटों पर की जा रही साफ सफाई का जायजा लेते हुए युद्ध स्तर पर काम करने का निर्देश दिया गया। व्रती महिलाओं ने घाटों पर मिट्टी की बद्दी बनाकर उस पर अपना नाम अंकित कर दिया, जिससे स्थान को सुरक्षित कर लिया गया। बता दें कि आस्था पर्व के मद्देनजर नगर पंचायत से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों के छठ घाटों की सफाई और रास्तों को दुरुस्त करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा जा रहा है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़े। आस्था के महापर्व को देखते हुए बाजारों में पूरी तरह से रौनक है। फलों की दुकान सज चुकी हैं, पास के सूट की बिक्री बढ़ चुकी है, तो वहीं व्रती महिलाओं द्वारा घाटों पर विधि बनाने का कार्य जोरों पर चल रहा है। नहाए खाए थे से शुरू होने वाली इस महापर्व को देखते हुए जिलाधिकारी तथा अधिकारी ने घाटों पर विशेष साफ सफाई का निर्देश देते हुए आज निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सुरक्षा के दृष्टिकोण से जिला स्तर को देखा गया और घाटों पर मोटी रस्सी लगाने को निर्देश दिया गया। आइए सुनाते हैं कि अधिकारी लव कुमार मिश्र ने क्या कुछ कहा। चालक छठ का त्यौहार आ रहा है, 30 और 31 को है। नगर पंचायत का आज अब SDM साहब के साथ निरीक्षण किए हैं, क्या दिशा निर्देश दिया गया है इस बारे में? डाला छठ त्यौहार 30 अक्टूबर और 31 अक्टूबर को मनाया जाएगा। 30 अक्टूबर को शाम को माताएं बहनें आएंगी, डूबते हुए सूर्य अर्घ देंगी और 31 को सुबह आएंगी। इसके दृष्टिगत SDM साहब महोदय के द्वारा निरीक्षण किया गया, उनके द्वारा निर्देश दिया गया साफ़ सफाई ठीक ठाक करा ली जाए। जहाँ जल जमाव, जहाँ गहरा जल है वहाँ बैरिकेडिंग कर दिया जाए, गहरा आगे पानी गहरा है इसका एक मार्किंग कर दिया जाए और कुछ कर्मचारी नियुक्त कर दिए जाएँ जो तैराक टाइप के हों। नाव की व्यवस्था कर ली जाए, नाव न हो पाए ट्यूब की व्यवस्था कर ली जाए, जिससे किसी प्रकार की आकस्मिक कोई खतरा हो तो उसके लिए बचाया जा सके। और सर, नगर पंचायत में कितनी जगह कितने पोखरे का इंतजाम किया गया, कितने पोखरे हैं, कहाँ भीड़ लगती है? नगर पंचायत में 2 पोखरे पे छठ पूजा की व्यवस्था की गई है, पूरब के पोखरे पर और पश्चिम पोखरे पे। यहाँ लाइट लग जाएगी, ठीक ठाक लाइट लगेगी और अभी समय है 1-2 दिन, तो यहाँ की सफाई पश्चिम वाले पोखरे की सफाई हो गई है और जो बचा है उस करा रहे हैं। पूरब वाले पोखरे की सफाई अभी नहीं पूरे हो पाई है, आज शाम से कर्मचारी वहाँ रहेंगे और सफाई पूरा करेंगे। लगभग सर कितनी भीड़ लग जाती है, लगभग प्रशासन व्यवस्था क्या रहती है, पुलिस व्यवस्था क्या रहती है? साफ सफाई, लाइट और जलजमाव इत्यादि खतरे के लिए जो हमारा जो हमको जो निर्देश दिया गया कर रहे हैं, बाकी प्रशासन की व्यवस्था और थाना अध्यक्ष महोदय के माध्यम से शांति व्यवस्था की जाएगी। नगर में छठ पर्व पर बाजारों में दुकानें सजने लगी। छठ पर्व को देखते हुए साफ सफाई को लेकर उप जिलाधिकारी स्वतंत्र रंजन, स्वास्थ्य अधिकारी अमिताभ मणि त्रिपाठी, थाना प्रभारी बसंत लाल ने कस्बे के ऐतिहासिक लखराव पोखरा, प्रभा पोखरा, सुरही बाबा, निरंजन कुटी, गौरा बिरहानपुर, दौलतपुर, भोरमपुर, गद्दीपुर, तिलसला के अलावा मंगई नदी स्थित राजघाट की घाटों का निरीक्षण कर साफ सफाई देखा। निरीक्षण के दौरान EU सहित संबंधित खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि कस्बे सहित ग्रामीण अंचलों के छठ घाटों की साफ सफाई पूजा से पूर्व प्रत्येक दशा में हो जानी चाहिए। साथ ही थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया कि छठ मेला के घाटों पर पूजा के दौरान व बाजारों में छठ पूजा के सामानों की खरीदारी के समय पुलिस बल व मोबाइल टीम भ्रमण का अवश्य करें। वहीं EU व संबंधित VGO को निर्देशित किया कि कस्बे सहित ग्रामीण इलाकों की साफ सफाई की बाबत शिकायत पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई होगी। इसके साथ नगर पंचायत के जलाशयों पर लाइट, बैरिकेडिंग, नाव व रस्सी के अलावा गुब्बारों की व्यवस्था चेयरमैन अशोक चौहान को कराने के साथ गाँव में रस्सी लाइट की व्यवस्था ग्राम प्रधान प्रत्येक दिशा में कराएं। वहीं प्रत्येक पॉइंट पर लेखपाल व पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाए जाने के लिए तहसीलदार व संबंधित थाना प्रभारियों को निर्देशित किया है। जिला पैरा ओलंपिक संघ आजमगढ़ द्वारा अंतर जनपदीय ओपन बालक बालिका 32,000 प्राइस मनी दौड़ प्रतियोगिता, राष्ट्रीय राज्य स्तरीय पदक विजेता दिव्यांग खिलाड़ियों का सम्मान तथा 100 मीटर ट्राई साइकिल रेस का प्रथम आयोजन सुखदेव पहलवान स्पोर्ट्स स्टेडियम अराजी पार्क आजमगढ़ में किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन सम्मान तथा 100 मीटर ट्राई साइकिल रेस का प्रथम आयोजन सुखदेव पहलवान स्पोर्ट्स स्टेडियम अराजी बाग आजमगढ़ में किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन अपर जिलाधिकारी प्रशासन अनिल मिश्रा ने रिबन काटकर किया। सभी अतिथियों का स्वागत क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी संघ के अध्यक्ष सौरभ चंद्र राय, सचिव अजय मौर्य, अनिल तिवारी, KM श्रीवास्तव ने बुके देकर व माला पहनाकर किया। दिन भर चली इस प्रतियोगिता में पूर्वांचल के आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, बलिया, जौनपुर, गोरखपुर, देवरिया, कौशाम्बी, चंदौली जनपदों के 500 से ऊपर खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया, जिसके 100 मीटर बालक में संगम शानी मऊ ने प्रथम, अल्ताफ जावेद आजमगढ़, राहुल कनौसिया तृतीय, राजन यादव आजमगढ़, गोविंद पाल आजमगढ़ ने सांत्वना 7वां स्थान प्राप्त किया। 800 मीटर बालक में शिव सागर जौनपुर, अमरजीत राजभर गाजीपुर द्वितीय, प्रेमचंद मऊ तृतीय तथा विवेक सिंह व गौड़ आजमगढ़ ने 7वां सांत्वना स्थान प्राप्त किया। 1500 मीटर बालिका में किरण वर्मा आजमगढ़ प्रथम, मनसा चौहान मऊ द्वितीय, संध्या यादव बलिया तृतीय और सरिता राजभर गाजीपुर तथा ज्योति राजभर बलिया ने सांत्वना स्थान प्राप्त किया। इस तरह से 100 मीटर, 1600 मीटर और 100 मीटर, 100 मीटर सहित 200 मीटर आंख से दिव्यांग शहजाद आजमगढ़ तैराकी खिलाड़ी
तैराकी 100 मीटर हाथ से दिव्यांग किशन दीप सिंह आजमगढ़, नीलेश यादव बैडमिंटन हाथ से दिव्यांग आजमगढ़, मनोज मौर्य गोला पैर से दिव्यांग आजमगढ़, ट्रक सूट देकर सम्मानित किया गया। संगम सहनी आज पुरस्कार मिला है, क्या सर ये पुरस्कार हम अपने आगे प्रैक्टिस के लिए अपने खाने पीने के सामान के लिए यूज़ करेंगे। किस तरह की तैयारी कर रहे थे आप? सर एथलेटिक्स में मधुबन मऊ से रहने वाला हूँ और मैं साईं हॉस्टल में रहता हूँ इटावा में, और मैं साईं हॉस्टल में रह के प्रैक्टिस करता हूँ और मैं नेशनल लेवल एथलीट हूँ जी। अच्छा आजमगढ़ में आए आप, पुरस्कार मिला कैसा? आजमगढ़ में मैं पहली बार नहीं, बहुत बार आ चुका हूँ और मैं मेरे घर जैसा है आजमगढ़, मेरा मंडल भी है मेरा घर जैसा है सर। सर आज कार्यक्रम है, सर किस तरह का कार्यक्रम है, किस तरह से? आज जिला पैरालंपिक संघ ने एक एथलेटिक मीट का ऑर्गेनाइजेशन किया जिसमें अलग अलग खेल जैसे कि साइकिलिंग की प्रतियोगिता, 100 मीटर रेस, इस तरह के विभिन्न कार्यक्रम हुए। और कहाँ से सर आए हैं और किस तरह से इनकी प्रतियोगिता है? ये जिला स्तर के ही पैरालंपिक समिति है, इसमें सौरभ राय जी इसके अध्यक्ष हैं। क्या खिलाड़ियों को संदेश देना चाहेंगे? खिलाड़ियों को संदेश ये देना चाहूँगा कि खेल जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है जिससे हमारी सेहत और मस्तिष्क दोनों पे बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है, साथ ही साथ खेल के साथ टीम वर्क, लीडरशिप, इन सब चीज़ों पे भी बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, इसलिए ऐसे खेलों को बढ़ावा देना चाहिए। इस प्रतियोगिता में आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, कौशाम्बी, चंदौली और वाराणसी से सदस्य आए थे जिन्होंने पार्ट लिया। दिखाया था विकलांगों को हमेशा पीछे छोड़ा जाता है और इस तरीके से भाविकता भी है कि क्या सकते? देखिए आज हमारे देश में पैरालंपिक्स जब होते हैं विदेशों में तो बहुत ज़्यादा मेडल इंडिया जीतता है, तो आज के समय में ओलंपिक्स पैरालंपिक्स में फ़र्क नहीं रह गया है, इसलिए हमें खेल में विकलांग लोगों में, जो दिव्यांग लोगों में और एक जो दिव्यांग नहीं है उनमें कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। दोनों ही भारत के लिए मेडल लेके आते हैं, देश राज्य के लिए मेडल लेके आते हैं, इसलिए जितना हम साधारण खेलों पे ध्यान देते हैं उतना ही हमें पैरालंपिक्स के खेलों में भी उतना ही ध्यान देना चाहिए। क्या संदेश देना चाहेंगे खिलाड़ियों को? आपकी खिलाड़ियों को मेरा आखिरी संदेश यही रहेगा कि हमेशा खेल कूद में आगे रहें, सेहत पे ध्यान दें, खेल कूद से सेहत पे अच्छा प्रभाव पड़ता है, और जो जीते हैं उनको मेरी शुभकामनाएं, और जो जो नहीं जीत पाए हैं उनको भी मैं बोलना चाहूँगा कि हताश ना हो, या तो हम जीतते हैं या सीखते हैं, तो आप जीते नहीं है तो आप सीखिए और आगे भविष्य में आप लोगों को मेरी शुभकामनाएं। थाना कोतवाली पुलिस ने महिला के पैसे और आभूषणों की चोरी करने वाले दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि वादिनी बबीता जायसवाल पुत्री राजेंद्र जायसवाल निवासी माही करमनाथ पट्टी थाना रौना पार्जन पता आजमगढ़ द्वारा 1 अक्टूबर को आजमगढ़ से घर पहुंचने पर बैग दिखा गया तो उसने उसमें 5,000 रुपये व गहना गायब होने के संबंध में निर्देश दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था और आज जिसकी विवेचना प्रचलित है। गिरफ्तारी का विवरण की बात करें तो आज 28 अक्टूबर को उप निरीक्षक धर्मराज यादव, उप निरीक्षक मधुसूदन चरोसिया, मैं हमरा को मुखबिर से मिली की सूचना मिली कि 21 अक्टूबर को चोरी घटना को अंजाम देने वाला चोर बागेश्वर नगर तिराहे पर मौजूद है, अगर जल्दी किया जाए तो पकड़ा जा सकता है। इस पर पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर घेराबंदी कर लिया गया और उसको गिरफ्तार कर लिया गया। आज शनिवार को प्रातः 9 बजे से आयोजित होने वाले मिर्गी जागरूकता कार्यक्रम में निःशुल्क चिकित्सा शिविर के संबंध में आज वेदांता इंटरनेशनल स्कूल बगही डाड़ वनकट आजमगढ़ में प्रेसवार्ता का आयोजन किया गया। प्रेसवार्ता में स्कूल के प्रबंधक और शिविर प्रभारी शिव गोविंद सिंह ने बताया कि बीएचयू न्यूरोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर वीएन मिश्रा सर के दिशा में वेदांता इंटरनेशनल स्कूल में कल मिर्गी जागरूकता कार्यक्रम में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर में न्यूरोलॉजी के विश्व प्रसिद्ध चिकित्सक आजमगढ़ में निःशुल्क सेवा देने आ रहे हैं। यह आजमगढ़ वासियों के लिए अत्यंत ही गौरव का विषय है। बताते चले कि डॉक्टर वीएन मिश्रा मिर्गी पर एक फिल्म भी बना चुके हैं जिसका अनावरण तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने किया था। आज भी गाँव में मिर्गी को लेकर तमाम भ्रांतियां हैं। आज भी भारत के कई हिस्सों में मिर्गी के लिए दावा नाच देकर झाड़ू फूक ओझा मौलवी पादरी इलाज कर रहे हैं। दुखद है, ये हम सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कैसे लोगों को इलाज मिले। आप सभी जागरूकता फैलाने में साथ दें। कल 29 अक्टूबर 2022 को बीएचयू के न्यूरो डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट माननीय श्री प्रोफेसर वीर मिश्र जी मिर्गी जागरूकता एवं निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन वेदांता इंटरनेशनल कर रहे हैं। आप सभी आजमगढ़ की स्वेच्छाओं से आग्रह करते हैं उस कैंप के अधिक से अधिक भाग लेकर अपने वो अपने लोगों को लाभ पहुँचा रहे हैं।
आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाना क्षेत्र की टौरी खालिशपुर में भागीदारी पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें सैकड़ों की संख्या कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमचंद प्रजापति मौजूद रहे। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव महेश चंद्रा प्रजापति और प्रदेश अध्यक्ष अशोक प्रजापति मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन भागीदारी पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री हरिवर्धन प्रजापति ने किया। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। स्वागत समारोह के पश्चात बारी बारी से लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए और इस कार्यक्रम में कई नए लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। इस कार्यक्रम में सुनील प्रजापति को पूर्वांचल प्रभाग का प्रभारी नियुक्त किया गया और ब्रिजेश प्रजापति को आजमगढ़ का जिला प्रभारी बनाया गया। कार्यक्रम के बीच बीच में अनिल भोजपुरिया व आरती भारद्वाज ने गीत प्रस्तुत कर कार्यक्रम को संगीतमय बनाया। मीडिया से बातचीत करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमचंद प्रजापति ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हम लोग पूरे देश में कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं और अपने साथ लोगों को जोड़ रहे हैं। आने वाले समय में भागीदारी पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी और चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेगी। को भागीदारी पार्टी में नई जिम्मेदारी सौंपी गई है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? हम इसको बखूबी निभाएंगे और जगह जैसे अब हम पहले जिला में थे, अब हम पूर्वांचल में पूरे हो गए हैं। पूर्वांचल की गली गली में जा करके, जिला जिला जा करके, मुख्यालयों पे जा जा करके अपनी बात रखेंगे और लोगों को आगाह करेंगे कि आप लोग भागीदारी पार्टी से जुड़िए और मोर्चा को आगे ले चलिए, क्योंकि हम लोगों के पास कोई जो मुद्दा नहीं रह गया है कि हमारी हकदार जिम्मेदारी कहीं मिल नहीं रही हमको। कैसे मिलेगी ये हम लोगों को बताएंगे और हर जगह गलियों में जागरूक करते हुए हर जगह मीटिंग करेंगे, बैठक करेंगे और लोगों से आगाह करेंगे कि आप लोग हमारे साथ जुड़ने काम करिए। सर, आज यहाँ पर कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है पार्टी का, उसके बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, ये अतरौलिया विधानसभा है, जनपद आजमगढ़। आज भागीदारी पार्टी के तत्वाधान में यहाँ सिर्फ अतरौलिया विधानसभा की कार्यकर्ता बैठक थी और आपने देखा सुबह 10 बजे से लोग पूरे पंडाल में खचाखच भरे रहे। अभी तक इस प्रदेश में जो उपेक्षित जातियाँ रही हैं, जैसे प्रजापति है, पाल है, बिंद है, भर है, राजभर है, मछुआरा है, गर्जी है, निषाद है, जो उपेक्षित जातियाँ हैं उनकी सत्ता सरकार में भागीदारी सुनिश्चित नहीं हो पाई। 2024 में लोकसभा का चुनाव है, उसके मद्देनजर रखते हुए हम लोग जगह जगह विधानसभा वाइज कार्यकर्ता बैठक कर रहे हैं और अदर राज्यों में भी तैयारी चल रही है। अभी हम लोग कल पटना बिहार में बहुत बड़ा कार्यक्रम करके आए हैं, कई हजार लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे और आज आपने देखा कि ये पूरा पंडाल भरा हुआ था। भागीदारी पार्टी का एक एक बच्चा, एक एक कार्यकर्ता, गांव गांव हम लोग बूथ की कमेटी बना रहे हैं। आज आपने देखा कि ये जो बगीचा है ये पूरा देहात का एरिया है। आज इस देहात के एरिया में इतना भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और ये कार्यक्रम लगातार चल रहा है। कहाँ कहाँ पर आपकी और पार्टियां हैं इसके, यहाँ उत्तर प्रदेश के अलावा कौन कौन से राज्यों में? हम देखो, अभी आपने देखा कि सोशल मीडिया के माध्यम से हमने मध्य प्रदेश में पार्टी का विस्तार करके आए हैं, महाराष्ट्र में भी विस्तार करके आए हैं, बिहार में डॉक्टर महेश चंद्रा जी की पूरी टीम लगी है, उत्तराखंड में अभी हम खुद गए थे, वहाँ 10 दिन का कार्यक्रम करके आए हैं, उत्तर प्रदेश के पूरे 75 जिलों में कार्यक्रम चल रहा है, दिल्ली में भी हमारी टीम लगी हुई है और हरियाणा में भी हम थोड़ा थोड़ा उधर भी लगे हुए हैं। अभी हम पलवल में बैठक करके आए हैं। ये करीब 8 राज्यों में भागीदारी पार्टी लोकसभा के चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारेगी। अच्छा सर, आपने एक मोर्चा बनाया था ओम प्रकाश राजभर के साथ, जी, इसको लेकर के क्या कहना, अभी मोर्चा किस प्रकार से काम कर रहा है? देखिए, आपको पता है कि चुनाव में मोर्चा बनते रहते हैं, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। यूपीए है, एनडीए है और भी राज्यों में लोग मोर्चा बनाते रहते हैं। हम लोगों ने भी यहाँ मोर्चा बनाया, ट्राई किया और थोड़ा गलती ये रही कि बड़े भाई पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने मोर्चे को बहुत गंभीरता से नहीं लिया। नहीं, उत्तर प्रदेश की सियासत में समाजवादी पार्टी भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार होती, भागीदारी पार्टी की सरकार होती, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी गलतियों की वजह से आज उसका खामियाजा पूरे समाज को भुगतना पड़ रहा है। आगे किस प्रकार का क्या मोर्चा आपका आगे लोकसभा चुनाव में भी रहेगा या फिर क्या है इसका? मोर्चा बनेगा, क्योंकि मोर्चा कोई नई बात नहीं है। चुनाव में देखिए, हम लोग इस देश में आजादी के 75।
बड़ी खबर आजमगढ़ जनपद की मेनगर से दिखा रहे हैं, जहां छठ पर्व पर बाजारों में दुकानें सजने लगी हैं। छठ पर्व को देखते हुए साफ सफाई को लेकर उप जिलाधिकारी स्वतंत्र रंजन, स्वच्छ अधिकारी अमिताभ मणि त्रिपाठी, थाना प्रभारी बसंत लाल ने कस्बे के ऐतिहासिक लखरखाव पोखरा, प्रभाव पोखरा, मंडलेश्वर पोखरा, गौरा के अलावा मंगई नदी स्थित राजघाट, अन्य सभी घाटों का गुरुवार को दोपहर 1:30 पर निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान ईओ सहित संबंधित खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया है कि कस्बे सहित ग्रामीण अंचलों के छठ घाटों की साफ सफाई पूजा से पूर्व प्रत्येक दशा में हो जानी चाहिए। साथ ही थाना प्रभारी को निर्देशित किया है कि छठ मेला के घाटों पर पूजा के दौरान बाजारों में छठ पूजा के सामानों की खरीदारी के समय पुलिस बल व मोबाइल टीम भ्रमण अवश्य करे। वही ईओ संबंधित वीडियो को निर्देशित किया कि कस्बे सहित ग्रामीण इलाकों के साफ सफाई के बाबत शिकायत पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई होगी। इसी क्रम में करौती में स्थित छठ घाट की साफ सफाई भी होगी। जनपद गाजीपुर पुलिस द्वारा अफजल अंसारी पुत्र सुबहानुल्लाह अंसारी द्वारा अवैध ढंग से अर्जित की गई कुल 12,50,00,000 रुपए की अचल संपत्ति को कुर किया गया है। जनपद गाजीपुर में अवैध तरीके से धन भूमि संपत्ति व अचल संपत्ति अर्जित करने वाले माफियाओं के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत आज प्रभारी निरीक्षक विवेचक थाना अहमदाबाद जनपद गाजीपुर की प्रसिद्ध आख्या 17 अक्टूबर 2022 पर पुलिस अधीक्षक गाजीपुर द्वारा संस्तुति के आधार पर जिलाधिकारी गाजीपुर द्वारा 23 अक्टूबर को पारित कुर्की आदेश अंतर्गत धारा 114(1) उत्तर प्रदेश के वन एवं समाज विरोधी अधिनियम 1986 के क्रियान्वयन हेतु श्रीमान जिलाधिकारी लखनऊ के द्वारा दिनांक 27 अक्टूबर को अनुपालन संबंधी आदेश पारित किया गया, जिसके आधार पर अभियुक्त अफजल अंसारी पुत्र सुबहानुल्लाह अंसारी निवासी यूसुफपुर थाना मोहम्मदाबाद द्वारा अवैध ढंग से अर्जित की गई निम्न संपत्ति को कुर्क किया गया है। सर, गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) में सर अफजल अंसारी पुत्र सुबहानुल्लाह अंसारी का सर संपत्ति कुर्क की गई है सर। देखिए, माफिया और माफिया राज के खिलाफ लगातार जो है वो कार्रवाई जारी है। विगत 4 महीनों में लगभग 75 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति मुख्तार अंसारी और सहयोगी की जो है वो जब्त कराई गई है। आज की संपत्ति लखनऊ स्थित है, जिसका आदेश जब्तीकरण का गाजीपुर से हुआ है। 12.5 करोड़ रुपए की ये न बंगलो लैंड न प्रॉपर्टी जो है मार्केट वैल्यू उसकी 12.5 करोड़ रुपए है। ये प्रॉपर्टी अफजल अंसारी इनकी पत्नी के नाम पे जो है वो दर्ज है और इनके ऊपर कई सारे आपराधिक मामले हैं। मुख्तार अंसारी और उसके सहयोगी जो भी हैं उनका चिन्हांकन किया जा रहा है, इनके प्रॉपर्टी का चिन्हांकन किया जा रहा है और भारी मात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में और प्रॉपर्टीज़ का जब्तीकरण आने वाले वक्त में किया जाएगा। अरे बीच बचाओ कर दो। खबर मुरादाबाद से है, जहां महिला थाने के एसएचओ का वीडियो वायरल हो गया है। एसएचओ पर फील रील्स बनाने का बुखार खुमार चढ़ गया है, ऐसा कहा जा रहा है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, बैकग्राउंड में बज रहा फिल्मी डायलॉग। वर्दी में रील इत्यादि बनाना पुलिस आचरण नियमावली के विरुद्ध है और इसी मामले को लेकर के इस महिला एसएचओ पर कार्रवाई की गई है। पारस मित्र डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से सभी क्षेत्रवासियों को दीपावली एवं छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। त्योहार बंपर ऑफर धमाका में लखनऊ की सबसे अग्रणी एवं विश्वसनीय रियल एस्टेट कंपनी पारस मित्र डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड लाए हैं पारस ग्रीन सिटी किसान पथ जुगौर, लखनऊ में आवासीय एवं कमर्शियल प्लाट पाने का सुनहरा मौका। प्लाट रजिस्ट्री शुल्क बिल्कुल फ्री, हर रजिस्ट्री पर निश्चित उपहार। 1000 स्क्वायर फीट प्लाट की खरीद पर 200 स्क्वायर फीट प्लाट बिल्कुल फ्री, 2000 स्क्वायर फीट प्लाट की खरीद पर 500 स्क्वायर फीट प्लाट बिल्कुल फ्री। फाइनेंस की सुविधा के साथ साथ
कंपनी द्वारा EMI की भी सुविधा, 90% लोन की सुविधा के साथ कम से कम दस्तावेजीकरण सुविधा। हमारा बस यही है सपना, घर हो सबका, अपना अपना।